जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान, श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। राजा श्रेयांश, जो आज दान तीर्थ के प्रवर्तक के लाए, अगर वो इस दिन को नहीं हमारे लिए देते तो शायद आप और हम जो आज दान करके, जो श्रावक लोग आज दान करके जो अपने पापों को क्षय करने का पुरुषार्थ करते, और मुनि महाराज अपनी साधना इस दान के माध्यम से करते, अपनी इस शरीर को बनाए रखने के लिए जो आहार चर्या थी, जो कि उस समय कोई नहीं जानता था। 24 तीर्थंकर हुए इस युग में, जिसमें 24 तीर्थंकरों ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, लेकिन दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले मात्र एक व्यक्ति हुआ, राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जो दान तीर्थ का प्रवर्तक, और उसको उपाधि भी दी गई तो दान तीर्थ की, जैसे तीर्थंकरों के द्वारा तीर्थ का प्रवर्तन किया जाता है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया जाता है, धर्म तीर्थ को बताया जाता है, उसी प्रकार दान तीर्थ को बताने वाले कोई हुआ तो राजा श्रेयांश। इस 24 के अंदर एक ऐसा पुरुष, ऐसा महापुरुष, ऐसा सलाका पुरुष हुआ जो धर्म तीर्थ को चलाने में सबसे बड़ा कारण बन के गया, दान तीर्थ का। दान का महत्व ही तब समझ में आता है जब आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति को दिया जाए। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्वदानम, अनुग्रह करने के लिए दिया हुआ दान किस पे? स्वस्याति, अपने द्वारा उपार्जित किया हुआ, स्व और पर के अनुग्रह करने के लिए जो दिया हुआ दान, वह कहलाता है दान। तो आज एक इतना महत्वपूर्ण दिन है, अक्षय, खुद अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय ना हो, ऐसा। इससे अपन दो भाव निकाल सकते हैं, एक तो भगवान का जहां आहार हुआ, भगवान ने जहां आहार दान लिया, वो घर में उस दिन कभी भी खत्म नहीं होने वाला आहार, इसलिए वो अक्षय, क्योंकि उन्हें अक्षय महानस नाम की ऐसी महान रिद्धि होती है जिससे कभी भी वो द्रव्य समाप्त नहीं होता उस दिन के लिए। और अक्षय दान का मतलब होता है, ऐसा भी एक अर्थ निकाले अपन इसका, कि उसके बाद से दान की परंपरा फिर कभी खंडित नहीं हो, इसका नाम भी अक्षय। मतलब दान तीर्थ फिर चलता ही रहा, फिर किसी को पूछना नहीं पड़ा कि दान देने की विधि क्या है। हमेशा एक बात याद रखो, क्रिया से ज़्यादा उसकी विधि महत्वपूर्ण होती है। उस युग में भगवान ऋषभदेव जब मुनि अवस्था में थे, तो मुनि अवस्था में जब वो आहारचर्या के लिए निकले तो विधि कोई नहीं जानता था, ये नहीं देना जानता दिया कैसे जाता था, सबके पास कह भी नहीं, भगवान आइए हाथी लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, भगवान आइए ये 56 भोग रखे हैं इन्हें ले लीजिए, प्रभु ऐसे थोड़ी स्वीकार करेंगे। उसकी पूरी विधि है, नवदा भक्ति पूर्वक प्रभु उसको लेंगे, आहार दान के ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भिक्षु हैं, कोई भिखारी नहीं। जैन दर्शन के अंदर सबसे बड़ी यही खासियत है कि वो जो साधक होता है वो भिक्षु होता है, वो भिखारी नहीं होता कि किसी ने बुलाया या किसी के सामने हाथ फैला दिया। मरण को प्राप्त वो स्वीकार कर लेगा, लेकिन हाथ फैलाना स्वीकार नहीं करेगा कि लाओ मुझे दो रोटी दे दो। इसीलिए तो कहा कि संसार में
हर व्यक्ति रोटी के पीछे भागता है, लेकिन इस संसार की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन दर्शन के साधुओं के पीछे रोटी भागती है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए उसमें जो नवदा भक्ति आदर विनय से दिया हुआ दान, तो आज का जो दिन है सबसे महत्वपूर्ण है श्रावकों के लिए, तो इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर श्रावक के लिए अगर ये विधि नहीं बताई होती तो श्रावक शायद अपने पापों का प्रक्षालन करने की विधि नहीं जान पाता। क्योंकि आचार्य समदभ्रंश स्वामी कहते हैं, दान क्या वस्तु है, जैसे मेल को धोने के लिए जल है, ऐसे ही पापों को धोने के लिए दान है। दान की उपाधि किससे दी उन्होंने, जल से। जैसे मेल के मेले वस्त्रों को, मेली वस्तु को धोने के लिए जल उपयोग में लाते हो, वैसे ही पाप रूपी कर्मों को धोने के लिए दान है। श्रावक के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। मुनियों के पास तो बहुत साधन है, वो ध्यान कर लेंगे, सामायिक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन श्रावक के पास एक ही है, सिर्फ दान, दूसरा कोई है ही नहीं, विधि नहीं उसके पास, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ एक ही से ही अपने पापों की निर्जा कर सकता है, वो विधि है दान पूर्वक। अब वो दान भले ही अलग अलग प्रकार का हो, आहार दान हो, अभय दान हो, औषध दान हो, शास्त्र दान हो, अलग अलग प्रकार का हो, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है तो सबसे बड़ा ये दान का आज का दिन है। क्योंकि श्रावक अपने जीवन में जितना भी आय का अर्जन करता है, धन का अर्जन करता है, वो जानता है वो किन किन प्रकार से करता है, उसमें पांचों पाप किस प्रकार से उसको होते हैं, हिंसा झूठ चोरी किस प्रकार से हो जाते हैं, वो जानता है। इसी से लिए वो विधि पूछता है भगवान से कि ये भगवान मेरे इन पापों के प्रक्षालन की विधि क्या है। तब प्रभु स्वयं कहते हैं कि अगर श्रावक को अगर बचना है तो उसके लिए पास एक ही विधि है, वो दान करें। वो दान करें क्यों करें, क्योंकि वो स्वयं कैसलोच नहीं कर सकता, स्वयं एक समय भोजन का नियम भी नहीं ले सकता, स्वयं पैदल नहीं चलने का नियम कि आजीवन में पैदल चलूंगा, आजीवन एक समय भोजन करूंगा, आजीवन में कैसलोच करूंगा, आज स्नान व्रत रखूंगा, मैं 22 परिसों को सहूंगा, ऐसा वह श्रावक नियम नहीं ले सकता। तो वो ढूंढता है फिर कि मेरा जो ये धन है कैसे पवित्र होगा, मेरे घर को पवित्र कौन करेगा। तो ऐसे पात्र को खोजता है जिन्होंने ऐसे पापों का त्याग कर दिया है, हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करके जिस पात्र ने ये नियम ले लिया कि मैं कभी अपने हाथ से भोजन नहीं बनाऊंगा, जिस पात्र ने ये नियम ले लिया कि मैं कभी उठा के भोजन नहीं करूंगा, बनाऊंगा नहीं, बनवाऊंगा नहीं, बनाने वाले की अनुमोदना नहीं करूंगा, वो ऐसा पात्र खोजता है कि आखिर इस संसार में ऐसा पात्र कौन है। जब बहुत खोजा तो कोई अपने हाथ से बना के खा रहा है, कोई कह रहा है मुझे सूखा दे दो, कोई कह रहा गीला दे दो, कोई कह रहा मुझे निमंत्रण दे के बुला लो, कोई कह रहा मुझे ऐसे बुला लो वैसे बुला लो, लेकिन एक पात्र उन्हें ऐसा मिला जो मौन से निकलता है और जिसे कहता नहीं कि मुझे पड़गा लो, अगर तुमने पड़गा लिया उसे तो वो तुम्हारे यहाँ चला गया, नहीं पड़गया तो वो चुपचाप पुनः अपने स्थान पर आ गया। कल्याण मंदिर विधान की जय। आज की इस विधान कराने का अक्षय तृतीया जैसे महान पर्व पर जिन परिवारों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार, श्रीमती मधु, मनोज, रूबी, अक्षय, अजय पायल, अक्षत अर्पण, प्रेरणा, अन्य जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सोनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, नीरज, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, समस्त परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश, मनोज, संयम, अपूर्व, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ा, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वजहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार, सुनील जैन, हन्नी जैन, श्रीमती ऋषु जैन, बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंद्रा, उमेश, अनीता, अनिल, रुचि, प्रीतेश, उर्वी, मीत, देवेश, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, योगेंद्र जैन, बिफटेक्स खेकड़ा, श्री अभिषेक कुमार, पारस, विमल, पूजा,
अरुण डीसी जैन, कांता रिकुंज, समस्त परिवार आवा टोक राजस्थान, श्रीमती मनीषा जैन, श्रीमान अमित जैन वासवाड़ा राजस्थान, श्रीमती ऋतु जैन, अशोक जैन बैंक वाले, प्रतीक शिवानी, अक्षत जैन सह परिवार सुख शांति समृद्धि हेतु, श्री सुनील भारती, श्रेया सात्विक जैन, ग्रीन पार्क, समस्त परिवार दिल्ली ही, श्रीमान सचिन जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पार्थ जैन, जय जैन, उषा जैन छिंदवाड़ा, श्री प्रदीप जैन, पुनीत जैन, राशि अक्षत जैन खेकड़ा वाले, न्यू अशोक नगर दिल्ली, श्री भागचंद जैन, अनीता जैन, अनुराग जैन, रिया सौरभ, श्रेया ऋषभ, कुकी सह परिवार सवाई माधोपुर राजस्थान, श्रीमान राजीव जैन, राजीव सह परिवार चंदनगर सहारनपुर, श्रीमान गिरीश मित्तल सह परिवार दिल्ली, श्री हीरामणि, सत्येंद्र जी, संजीव बब्बू जैन सह सहारनपुर, समस्त परिवार विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अतुल जैन, रचना जैन, क्षितिज जैन, नंदिनी जैन सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमती पुष्पा देवी पाटनी, श्री पवन कुमार पाटनी बेंगलुरु गुवाहाटी, श्रीमती सुशीला जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्रीमती अलका बाकलीवाल, श्रीमती सुनीता जैन जयपुर, श्री विकास जैन विवाह, निकिमा भव्या जैन रामप्रस सूरनगर दिल्ली, श्री मनोज जैन, नीलम जैन, मनीला जैन, डेजी तनुश्री, ज्ञानुम जैन कोयला वाले भोपाल, दीप्ति जैन, मनीष सम्यक, सात्विक जैन मेरठ, रितेश गोदा, प्रीति रिद्धि, डॉक्टर जे के जैन, सुनीता जैन बड़ागांव, श्रीमान राजेश जैन, अर्चना श्रेष्ठ, यश जैन सूरजमल बिहार दिल्ली, श्रीमती ऊषा जैन, बंटी जैन, नमन अनुज कुमार जैन ज्ञान गार्डन सहारनपुर, श्री विशी जैन, दिनेश जैन, प्रिया निकले दिल्ली, श्री जिनेश जैन, मोनिका जैन गाजियाबाद कोरोना रोग निवारणार्थ, श्री मनोज कुमार कैंसर रोग निवारणार्थ अलीगढ़, श्री महेश चंद, राजीव जैन सूरनगर गाजियाबाद विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अशोक एवं निर्मल पंचरत्न खुरे शादी की वार्षगांठ कर, जयेश जैन लमेटा वाले, माता नीलम जैन, बहन खुशबू जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, कौशल जैन, श्री पुण्य की स्मृति में पत्नी अरुणा जैन, पुत्र आशीष गौरव, समस्त परिवारजन, श्रीमती चंद्रकंत्राबाई, नरेंद्र कुमार काला, संतोष जैन, खेमचंद जैन, विकास चेरी, दीपा जैन, जैन मोहल्ला शामली, श्रीमान भागचंद जैन, अनीता, अनुराग, रिया, सौरभ, श्रेया, ऋषभ, कुकी परिवार सवाई माधोपुर राजस्थान, श्रीमती कमलेश जैन पत्नी सतीश पुराणी, अनज मंडी नरेला दिल्ली, श्रीमती पुष्पा, संदीप, रेखा, आयुषी, सिद्धांत, समस्त चौधरी परिवार, श्री राजमल जैन, प्रदीप, सरोज, आशीष, रश्मि, पीयूष, नेहा, सर्वांग, नवकार, चारवी, श्रेष्ठ जैन, बोंगल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु उत्तम नगर दिल्ली, श्री राजमल, सुबोध जैन, संगीता रानी, गिरी, अशशांक जैन, अनुज जैन, समसा परिवार स्वस्थ लाभ हेतु पिपरे मध्य प्रदेश, श्री संजय जैन, सुनीता जैन, आयुषी जैन, मनीष जैन के उपलक्ष्य में मधु बिहार दिल्ली ही, श्री राजेंद्र जैन, अनीता जैन सह परिवार रामप्रस्थ गाजियाबाद, माया जैन, राहुल जैन, चारू जैन, अंजल जैन, युगम जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली, श्रीमान राकेश जैन, अर्पित जैन, विजय रोड लाइन ट्रांसपोर्ट परिवार वीना मध्य प्रदेश, श्री सुरेश पाटनी गुणमाला, सचिन, मनीषा, सुमित, संध्या, पुलक, तन्वी, प्राची, सविता, प्रमोद, निर्मल, आशा, संगीता, प्रशंग, समस्त पाटनी एवं सिटी परिवार इंदौर, श्री प्रभाचंद निशा जैन, अभिषेक, पूजा, संयम, गदिया परिवार अजमेर, श्री राजकुमार, मधु, अनुज, परिधि, आशीष, प्राशुक, अक्षत सह परिवार बड़ौद, श्री अनिल जी, अनिल कुमार, राकेश कुमार, मनीष होजा, मनीषा होजरी, समस्त परिवार की सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु गांधीनगर, श्री विनोद कुमार जैन, रेखा जैन सह परिवार खिवाई वाले पुरानी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ, श्री विनोद कुमार, निर्मल, राहुल जैन सह परिवार नई मंडी बड़ौद, श्रीमती रश्मि जैन पाटनी, दिगंबर प्रसाद विकास नगर देहरादून, सचिन जैन विधि मानवित, अक्षत जैन गाजियाबाद कोरोना से विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, माया जैन सह परिवार बड़ौद, मानसी जैन ग्रुप बलबीर नगर, जिनेश्वर जैन, संतोष, अंकित सह परिवार देहरादून, गरिमा, अक्षी, पलक, अग्रिम जैन दिल्ली, श्री नरेंद्र जैन, बिमला, दीपक, संदीप जैन, डेफोडिल्स, मगर पट्टा पुणे महाराष्ट्र, चंद्रकला, सोहनलाल जैन नागपुर, श्रीमती शशि, सुरेश जैन, नितिन, मीनाक्षी, वीरसेन, विकास नगर, अनुज जैन, श्रीमती निधि जैन, निपुण, बत्सल जैन सहारनपुर, श्री अतुल जैन, मुकुल जैन, सुरेंद्र, अक्षय, लक्ष्य, ऋषभ जैन दिल्ली, श्री मनोहर लाल बोहरा, श्रीमती गांधी देवी बोहरा, बरकत नगर, टोंग फटक जयपुर, सचिन जैन, नेहा जैन, सांची जैन, हेम ज्वेलर सरदना, शादी की वर्षगांठ के विशेष अवसर पर मेरे भाई इवांशु की आत्मा की शांति हेतु ताई जी सुशीला, सुशील, बबीता जैन, भावी दिव्या जैन बेटियों को दुख सहन करने की शक्ति मिले, आदित्य जैन सपरिवार, श्री जिनेश जैन, मोनिका जैन गाजियाबाद कोरोना रोग निवारणा, श्री मनोज कुमार जैन कैंसर रोग निवारणार्थ अलीगढ़, श्री गणेश लाल, दिनेश कुमार, महीप प्रसाद, अशोक कुमार, नीरज जैन, पुनीत, प्रांजल जैन, समस्त घी वाला परिवार कोटा, श्री विनोद जैन, सरला जैन बड़ो, श्री अदिति जैन दिल्ली, श्री जय कुमार जैन, रश्मि, राकेश, मीणा जैन सह परिवार सोनीपत, श्री राजकुमार जैन, श्रीमती लतिका जैन,
राहुल नितिका अरिहंत जैन कृष्णानगर दिल्ली ही, श्री बालचंद साहब, अरुणा संदीप, अरुणा प्रदीप, संगीता सुभी सदोह साह पलटन महाराज, जोहरीमल महेश चंद, मनीष प्रशांत, विपिन जैन सापरिवार दरियागंज दिल्ली ही, श्री जगदीश समुद्री देवी सापरिवार दरियागंज दिल्ली, श्री गणेश चंद सांद्रा जैन पीतमपुरा दिल्ली, श्री अजय कुमार जैन सापरिवार खेकड़ा, श्री अम्बुज जैन, तरुण जैन, यशी आद्विक जैन सुरनगर दिल्ली ही, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन, मुकुल रुचि बीएम गारमेंट्स इंदौर, उर्मिल अमित सीमा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सापरिवार जयपुर, पुष्पेंद्र सरोज जैन आसू रीना जैन जयपुर, सरला देवी समस्त फट्टा परिवार मोगावली मध्य प्रदेश, श्री सुधीर जैन, पूनम जैन, शुभम जैन, रिंसी जैन, श्री दिगंबर कॉलोनी सहारनपुर, श्री प्रवीण जैन, अनीता जैन, पत्थरवाला परिवार सहारनपुर, श्री गौरव जैन, श्वेता जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन गाजियाबाद, श्री सचिन जैन, नेहा जैन, अरीन जैन गाजियाबाद, सभी परिवारों ने सुख शांति समृद्धि हेतु कोरोना रोग निवारण के लिए आज इस अक्षय तृतीया पर्व पर इस कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चलते हैं, बोलिए कल्याण मंदिर विधान की। कल्याण मंदिर मोदार मावद्य भेदि भीता भय प्रद मनिंदित माग्रिपन भव संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोताय मानम अभिनाम्य जिनेश्वरस्य। कल्याणों के मंदिर दाता अभय प्रदाता है निर्दो, श्री जिन भर के चरण कमल गी जगत पूज हर लेते दो, भव सागर में डूबे जन को तो पद ही प्रभु एक जहां, भक्ति भाव से अभिनंदन ही शुरू करो स्तुति का काज। ओम भीम भव समुद्र पतजन तंतु तारणा क्लीमा भी जाता सहित श्री पासना जनता ना मार्ग अमर पामते मान्य तो पिता विवरणीय तम स्वरूप मस्मादृशा कथम दीस भवंत धीसा। दृष्टोपि कौशिक शिशूर्य दिवान दिवान्धो रूपं परोपयति किं किल गर्म रश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है, अंध बना पिर कैसे रवि का रूप बताए वह मति मन। त्यो प्रोदित हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने, नायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न चाहे। ओम रीम चिद्रूपाय क्लीम महावीजाच सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर घम नृपामति स्वाहा। मोह क्षयात अनुभवन न पिनाते मत्यो नूनम गुणान गणयुतम न तव क्षमित। कल्पांतवांत पैसा प्रगटो पियस्मान मियेत केन जल देन अनुरत्न राशि। नास हुआ हो मोह कर्म का प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान, फिर भी गुण रत्ना कर गे गुण गिनने में है किसकी सार। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोग। ओम रीम गहन गुणा के लिए माँ बीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार घ्यम नृपामते स्वाहा। अमोगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशा। जाता तदेव समीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वानिज गिरानुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव भी योगी भी ही परमेश्वर कह न सके तब गुण बेबा। उन्हीं गुणों के कहने का या बिना विचारे मेरा कार, जो पक्षी अपनी कुकु से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम भीम गम गुणा के लिए महावीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तुवस्ति नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। व्रत पथ पाथ जनानि दाधे प्रीणाति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत महिमा से मंडित दूर रहे वह तब गुण गा
किंतु आपका नाम मात्र ही भव दधि से दीदी तात्रा। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष, पद्मेश्वर की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीं विश्वनारहाय क्लीं महावीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। हृद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तो क्षणे निविडापि कर्म वन्दा। सद्यो भुजङ्ग ममया इव मध्यभागे मभ्याघतेवन शिखण्डिनि चन्द्र नश्य। कर्मि शत्रु के सघन बन्ध भी शिथिल हुए डर डर जाते, जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्श प्रभु चरण भर आते। चंदन तर का आलिंगन का नग्न पुटे रहते जो विषना, वन मयूर के आने पर जाए इधर उधर जाते हैं भाव। ओम ह्रीं कर्म बंध विनाश का क्ली महावीजा का संहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामति। उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप से धूप फलार्घ कई दवल मंगल गानरवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम्यजे। ओम ह्रीं क्लीं महावीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः प्रथम बलियाय महाअर्घ्यम निर्वपामीति। स्वाहा मुचन्ते मनुजा सहिसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतेस्तै वीक्षतोऽपि। गोस्वामिनि स्फुरति तेजस दृष्टमात्रे चोरेरिवाश पशवा प्रपलाय माने। जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्रोपद्रव बाधाएं, सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक क्यों लख कर गाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छो। ओम ह्रीं दुष्टा पर गुनाश का क्ली महावीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामति। स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्विंशति दंग निर्माण क्षेत्रेभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते। स्वाहा ओम ह्रीं वर्तमान शासन नायक वर्तमान महावीर जिनेन्द्राय नरकोत्तात अर्घ्यम नृपामते। स्वाहा ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय नरकोत्तात अर्घ्यम नृपामते। ओम ह्रीं जन्मुखोद्भूत सरस्वती देव्य नरकोत्तात अर्घ्यम नृपामते। बोले संत श्रोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। दुनिया में गुरु हजारों हैं आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं आचार्य श्री जी का क्या कहना। महाराज श्री इसी का जैन सर्दना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री, भगवान के समुचरण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। ध्यान की बात कर रहे हैं, धर्म ध्यान के चार भेद होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। धर्म ध्यान संस्थान विचय धर्म ध्यान के भी पुनः चार भेद हो जाते हैं, आचार्य श्री शुभचंद्र स्वामी जी देव ज्ञानार्णव ग्रंथ में करते हैं। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। रूपस्थ ध्यान में उन प्रभु के रूप का चिंतन किया जाता है जो ध्यानस्थ मुद्रा में है अथवा जो समावसरण में विराजमान है, जिस समावसरण में 12 सभाएं लगी हुई हैं। उन 12 सभाओं में 4 सभाएं चतुर निकाय के देवों की होती है, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक देव की। 4 सभाएं इन देवियों की होती हैं जो चतुर निकाय के देवों की होती हैं, भवन, व्यंतर, ज्योतिष और वैमान। ऐसी 8 सभाएं तो देवों और देवियों की हो जाती हैं। एक सभा जो होती है जिसमें सिर्फ मुनिराज रहते हैं, गणधर परमेष्टि रहते हैं,
नौवीं एक सभा होती है जिसमें श्रावक रहते हैं, दसवीं सभा, और ग्यारहवीं सभा होती है जिसमें आरिकाएं और स्त्री एक ही कोठे में बैठते हैं, बारहवीं सभा तिर्यंचों के लिए पशुओं के लिए होती है। ऐसी बारह सभाएं होती हैं। अब जिन भगवान जिन तीर्थंकर की जितनी शरीर की ऊंचाई होती है उसी के अनुपात में उनके समवसरण का निर्माण होता है उतने डायमेंशन को लेकर के। ॐ अर्हं नमः, 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 ॐ शांति, ॐ अर्हं परम शांति, ॐ अर्हं परम शांति। दोनों तीलों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्श करें। बोले देवादि देवी खजार आर्षि आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्या सागर जी महाराज की।